बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जो कंसिस्ट कर रहा है एक्सप्रेशंस एंड इंटरएक्टिविटी पे। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें होगा दी सी एन ऑब्जेक्ट, सेकंड है जी मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस के हवाले से देखेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह जो है वो रिप्रजेंट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा जी टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन से मुराद यहाँ पे ये है कि मुख्तलिफ किस्म की आप जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि मुख्तलिफ किस्म के आप डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि उनको फिर हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसको हमने कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसकी टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। चौथा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जी टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये भी टाइप कन्वर्जन की सेकंड कैटेगरी है जिसमें हम टाइप कास्टिंग देखेंगे। चलते जी हम सबसे पहले आते हैं जी अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, द सी एन ऑब्जेक्ट। सी एन ऑब्जेक्ट होता क्या? अब सी एन ऑब्जेक्ट जो होता है ये बेसिकली एक इनपुट फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू को हम क्या करते हैं जो है उसके ज़रिए हम कीबोर्ड या जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस है उसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को इनपुट देते हैं। ये इनपुट जो होता है ये ब्लैंक स्पेसेस के बगैर होती हैं इसके अंदर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं जो आप कीबोर्ड वगैरह के लिए आप जो देते हैं इसको, वो जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं वो इनपुट ब्लैंक स्पेस के बगैर होती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जो क्योंकि जो तीन ऑब्जेक्ट है ये आपकी जो स्पेसिस होती हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर उनको सपोर्ट नहीं करता। अगर फर्ज किया एक यूज़र है वो अगर अपने प्रोग्राम को इनपुट दे रहा है क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू पर मुश्तमिल और उसके अंदर स्पेसेस भी हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो हमारा या जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि जो स्पेस से जो पहले वाली जो जितनी भी वैल्यू होती है उसको तो वो रिसीव कर लेता है, जो स्पेस के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर देता है। तो रिमेनिंग वाली जो वैल्यू होती है, रिमेनिंग स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है उसको इग्नोर कर देता है। तो इस लिहाज से जो है ना वो इसमें जो आपकी सी एन ऑब्जेक्ट है इसको हम कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें वाइड स्पेसेस या स्पेस यूज़ नहीं होती, और ये जो वैल्यूज़ होती है ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ विदाउट स्पेसेस होती हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका जो सी एन ऑब्जेक्ट के जरिए इनपुट गेट करने का जो सिंटैक्स है वो ये है, सी एन आगे है जी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, देखिए सी एन और आगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और आगे क्या है एसटीआर और सेमीकोलन है। इस पे जो फर्स्ट है ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है जो कि यूज़ होता है इसलिए कि आपने इनपुट वैल्यू जो है वो सी एन ऑब्जेक्ट को देनी है, तो ये इसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा होता है कि आपने ये जो वैल्यूज़ है ये डाटा की जो इंटरेस्ट है वो किस साइड से, इसका जो डाटा का फ्लो है वो किस साइड पर है, तो ये इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहेंगे। आगे जी एसटीआर, ये इंडिकेट करता है स्ट्रिंग के वेरिएबल नेम को जिसके अंदर आपने वैल्यूज जो है वो स्टोर करवानी होती है। ये तो था हमारा सी एन ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती ही हैं और इसको जो है वो कैसे जो है ना वो हम प्रोग्राम के अंदर राइट करते हैं और इसको कैसे जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर इसको लिखा जाता है। ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी वैल्यू को अवेलुएट्स करती है उसका हल निकालती है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन हमेशा जो है वो आपको सिंगल वैल्यू देती है, जब भी अवेलुएशन होने के बाद उससे आप जो वैल्यू गेट करते हैं वो सिंगल वैल्यू होती है। एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो ऑपरेटर्स होती हैं और ऑपरेंड्स होती हैं, हमेशा जो एक्सप्रेशन है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक्सप्रेशन पे ऑपरेटर्स पे और ऑपरेंड्स के ऊपर। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन के अंदर जो सिंबल होती है वो सिंबल जो ये ऑपरेटर जो होता है वो ऐसी सिंबल होती है जो कि क्या करती है, जो आपकी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर जो क्या करती है ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो ये ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन हो सकता है ये, और ये ऑपरेटर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे एडिशन ऑपरेटर है, ऐड का ऑपरेटर है, माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है, डिवीजन का है, मॉडुलस का, ये सारे ऑपरेटर्स की टाइप्स है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं एक्सप्रेशन के। और ऑपरेंड एक ऐसी वैल्यू होती है, ऑपरेंड ऐसी वैल्यू होती है जो क्या करती है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो हो जिसके ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं
उस तरह किस्म के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। ऑपरेंड जो है वो कॉन्स्टेंट या वेरिएबल या फंक्शन भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह एक्सप्रेशन जो ये भी याद रखें कि एक्सप्रेशन जो वो उसके जो ऑपरेशन ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेंड्स हैं उसकी कोई ख़ास तादाद नहीं होती, ये इसकी कोई ख़ास तादाद नहीं होती, ये कितने भी नंबर्स पे हो सकते हैं, यानी कि आपके ऑपरेटर्स दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसी तरह ऑपरेंड भी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी है, ठीक है, और ए और बी ये यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है, और ये दरमियान में जो प्लस साइन है ये आपका ऑपरेटर है। इसी तरह एक्स एक्स डिवीजन बाई वाई, यहाँ पे एक्स और वाई ये क्या है, आपके ऑपरेंड्स है और ये आपका ऑपरेटर है। इस तरह एक्स प्लस 56 है, अब ये देखिए ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये आपकी वेरिएबल है, और ये प्लस आपका क्या है, आपका जो है वो ऑपरेटर है। तो ये इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन होंगी उनको हम जो है वो इस तरह हम सी लैंग्वेज के अंदर डोनेट भी कर सकते हैं, और इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। इसी तरह फर्स्ट किया, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी है, इसके अंदर प्लस इज द ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन ऑपरेटर है, और ए और बी जो है वो आपके वेरिएबल्स हैं जो कि ऑपरेंड्स के तौर पर यूज हो रहे हैं आपकी एक्सप्रेशन के अंदर। कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं, मज़ीद देख लेते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, जैसे कि ये सी प्लस प्लस ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे जो सी प्लस प्लस के ऑपरेशन जो कि उसको सी प्लस प्लस सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह सी प्लस प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस है, माइनस है, ये एडिशन को प्लस साइन से, सब्ट्रैक्शन को ये माइनस साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, डिवीजन साइन, और ये मॉडुलस साइन, ये साइन जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं मतलब किस्म के ऑपरेटर्स के लिए। इस तरह अल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं जिसको मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उसको ऐसे डोनेट किया जाता है, जैसे एफ प्लस सेवन है, एफ पी माइनस सी है, ये सारी जो है वो आपकी अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है। और सी प्लस प्लस के अंदर इन एक्सप्रेशन को कैसे डोनेट किया जाता है, इनका जो रिप्रेजेंट करने का वो मेथड होता है वो ये है, एफ प्लस सेवन, एफ पी माइनस सी है, इनको जो है ना इस सिंपल से जो है ना इसको हम डोनेट करते हैं, इनके लिए डिफरेंट सिंपल्स जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उनकी प्रेसिडेंस है, उनकी तरतीब है, जिस तरतीब से उनको अवेलुएट किया जाता है एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे कि सबसे पहले है जी आपकी जो पैरेंथेसिस है इसकी हाई प्रेसिडेंस, हाई जो है वो इसकी जो है वो प्रेसिडेंस है, ठीक है, इसकी जो सबसे पहली जो है इसको अवेलुएट किया जाता है। इसी के बाद मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, इसकी सेकंड प्रेसिडेंस है, इसको उसके बाद जो प्रेसिडेंस के पास इनको अवेलुएट किया जाता है। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और लास्ट में जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अवेलुएट करते हैं। तो इस लिहाज से इन प्रेसिडेंस को देखते हुए जो है वो अपनी एक्सप्रेशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अवेलुएट करते हैं, और इस हिसाब से फिर इसको सिंपल प्लस के अंदर अवेलुएट किया जाता है। इसी तरह पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना सी प्लस प्लस के अंदर जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सी प्लस प्लस के अंदर लिखा जाता है। एक तो मैथड जो वो है कि स्ट्रेट लाइन मैथड, अब इसमें ये किया जाता है कि इसमें जितनी भी हमारी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है इसके अंदर हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म में लिखा जाता है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में इसको इंटर करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ए डिवाइडेड बाई बाय पी है, ये आपके पास दो जो है वो वेरिएबल्स है, और ये आपके पास डिवीजन साइन यहाँ पे आएगा, तो इसको हम जो सी लैंग्वेज के अंदर कैसे डोनेट करेंगे, ए डिवीजन बाई पी ऐसा डोनेट करेंगे। तो इसी तरह हम जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, या जितने भी वो ऑपरेटर्स होंगे उनको हम स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ऑपरेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ही डोनेट करेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे नहीं किया जाता। इसी तरह एक चीज़ और है, सेकंड रूल ये भी याद रखें कि हमेशा जो है ना वो सी प्लस प्लस जो एक्सप्रेशन होती हैं उसको हम जो है अवेलुएट करने के लिए, उनकी प्रेसिडेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, और इस हिसाब से फिर इन एक्सप्रेशन को जो है अवेलुएट किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्वांटिटी है जैसे बी प्लस सी है, तो हम इसको जब हम इनकी अवेलुएशन की प्रेसिडेंस बना दी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ए मल्टीप्लिकेशन साइन है, पैरेंथेसिस बी प्लस सी है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये पैरेंथेसिस वाली जो है वो आपकी जो पैरेंथेसिस वाली जो वैल्यूज़ है इसको वैल्यूएट किया जाएगा, यानी कि बी प्लस सी किया जाएगा, ये वैल्यूएट हो जाएगी, ऊपर इसके बाद जो इसकी आउटपुट आएगी उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस प्रेसिडेंस को लिखते हुए हम जो है वो इसके
के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर एक्सप्रेशन को स्टेट टाइप फॉर्म में शो भी करते हैं और उसको प्रेसिस को यूज़ करते हैं, हम उसकी एवेल्यूएशन की प्रेसिस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अलजबरिक एक्सप्रेशन और सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये सबसे पहले ऊपर जो ये अलजबरिक एक्सप्रेशन, यानी कि हम मैथमेटिक्स में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये कि एम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और डिवाइडेड बाई फाइव है। जबकि C++ लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म जो है वो इसमें जो यूज़ की जाती है और उसको स्ट्रेट लाइन में डोनेट किया जाता है, और ये जो आपकी प्रेसिडेंस होती है उसको जो आप प्रेसिडेंस होती है उसको यूज़ करके उसको आप एवेल्यूएशन की जो वो तरतीब बनाती है। जैसे कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन इसको हम C++ के अंदर ऐसे डोनेट करेंगे, प्रेसिडेंस है सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, क्लोजिंग प्रेसिडेंस और डिवीजन बाई फाइव है। तो सबसे पहले ये होगा, ये जो फाइव, ये जो पाँच के पाँच वेरिएबल है इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ऐड करके जो आउटपुट आएगी उसको फाइव पर डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि जेड इज इक्वल टू पी आर मॉडल्स क्यू प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जब हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन में, जेड इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मॉडल्स क्यू प्लस डब्ल्यू डिवीजन बाई वाई माइनस फाइव। तो हम इसमें ये देख लेते हैं इसमें हम इसको किस तरतीब से वैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले ये होगा, जैसे कि अपनी प्रेसिडेंस देखिए ऑपरेटर्स की, सबसे पहले जो है वो प्रेसिस को वैल्यूएट किया जाए, यहाँ देखिए इसमें कोई भी प्रेसिस नहीं है, तो फिर इसलिए फिर सेकंड प्रायोरिटी पर जो प्रेसिस ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। उसमें हम ये देखें, हम इसको लेफ्ट से राइट लेफ्ट साइड से वैल्यूएट करते हैं और राइट साइड पर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टार आएगा, यानी कि ये कौन सा साइन है यहाँ पे, ये जो सी लैंग्वेज के अंदर ये आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये पी मल्टीप्लाई क्यू होगा, इसकी ये जो इसकी पहली प्रेसिडेंस होगी, उसके बाद फिर मॉडुलस वाले की होगी, इसके बाद ये थर्ड पे ये डिवीजन वाले ऑपरेटर की आपकी वो प्रेसिडेंस बनेगी, और इसके बाद जो है वो आपका चौथे नंबर पर प्लस साइन और माइनस साइन और इसके बाद जो है वो आपका इक्वल साइन आपका ऑपरेट होगा, तो इस लिहाज से इसको इसकी एवेल्यूएशन होगी। इस तरह ये अगर आप सेकंड पॉलीनोमियल फॉर्म में देखें, सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल फॉर्म की एक्सप्रेशन है उसको हम डोनेट ऐसे कर देंगे, ये देखें ए मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी, ये हमारी सेकंड और पॉलीनोमियल फॉर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको इस तरह डोनेट किया जाता है, जबकि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस तरह डोनेट करोगे, और ये इसकी प्रेजेंस है। ये तो थी हमारी जो सी प्लस प्लस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देखा, उसकी वैल्यूएशन भी देखी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी टाइप कन्वर्जन। ये टाइप कन्वर्जन क्या चीज़ होती है? अब ये जो टाइप कन्वर्जन है इस मेथड में ये किया जाता है, इसमें ये होता है कि आप जब अपने प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं, और अक्सर बात को कई केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर आपको उन्हें क्या करना होता है, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके होती हैं और लेकिन उसकी वैल्यूज़ को आप यूज़ करते हैं, तो अक्सर वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसकी जो डाटा टाइप है उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो टाइप कन्वर्जन में क्या किया जाए, टाइप कन्वर्जन में ये किया जाता है, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो आपको इस चीज़ की फैसिलिटी देती है कि आप जो है अपनी डाटा जो टाइप होती है उसको वन टाइप से जो दूसरी टाइप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस जो सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं टाइप कन्वर्जन। इसके दो मेथड्स हैं, कौन कौन से, इसकी टू टाइप्स हैं कन्वर्जन की सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके जरिए आप जो है वो अपनी टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले जी इंप्लिसिट कन्वर्जन, और सेकंड है जी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और इसको हम टाइप कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी अपनी इंप्लिसिट टाइप कॉस्टिंग की तरफ, जिसको हम अपनी हम ऑटोमेटिक टाइप कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब ये जो इंप्लिसिट टाइप कॉस्टिंग होती है, ये जो है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस को खुद ही जो है ना ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर लेती है, इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर लेती है। तो हमें कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इसको कन्वर्ट करें, जिसमें ये कहता है कि कंपाइलर जो है वो खुद बहुत ही जो है ना वो एक टाइप से दूसरी टाइप में जो है वो आपकी कन्वर्जन कर देता है, और इसको हम इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इस कन्वर्जन को हम जो है वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, और इसका जो एक और नाम है वो है टाइप कॉशन भी है, इसको टाइप कॉशन भी कहते हैं। ये बेसिकली बेस कर रही होती है ये आपके रूल्स और रैंकिंग के ऊपर, डाटा टाइप की रूल्स और रैंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप इस पर कौन कौन से रूल्स हैं उनको देखते हुए ये इसकी कन्वर्जन वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कंपाइलर खुद ही करता है, और इसकी ये रैंकिंग देखते हुए इसकी टाइप की कन्वर्जन करता है।
अब इसमें ये होता है कि अगर फर्ज कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो आपके पास ब्रांड्स हैं, ठीक है, और जो वो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ये करेगा, उसकी कोशिश ये होगी ये जो आपके ब्रांड्स हैं उसको सेम टाइप में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर और इसमें ये किया जाएगा कि वो हमेशा कोशिश ये होगी कि ये लो डाटा टाइप से हर डाटा टाइप में कन्वर्जन करता है, ठीक है, तो ताकि आपका जो है डाटा लॉस ना होगा। इसमें इस कन्वर्जन में जब आप इस कन्वर्जन को करेंगे तो इसमें जो है ना वो आपका डाटा लॉस होने का भी ख़तरा होता है, ठीक है। जैसे कि अब मिसाल के तौर पर जो है वो अगर लो डाटा टाइप है तो उसको हाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो डाटा लॉस नहीं होगा। इसी तरह अगर हाई डाटा टाइप जो कन्वर्ट होगा लो डाटा टाइप में कन्वर्ट होगा तो आपका जो डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यू भी आपकी रेंज से जो हाई डाटा टाइप में के अंदर जो आपका डाटा था वो आपको पता है कि वो ज़्यादा हैवी डाटा को सपोर्ट करता है, जब उसको लो में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डाटा के लॉस होने के चांसेज होंगे। जब आप लो डाटा टाइप से हाई डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो इसके चांसेज नहीं होंगे। तो इसकी प्रिजनेस देख लेते हैं डाटा टाइप्स की। इसमें सबसे जो हाई जो इसकी जो रिजनेस है वो सबसे पहले जो वो लॉन्ग डबल की है, डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, इंट है, शॉर्ट है, चार, ये हमारी डाटा टाइप्स, ये सारी डाटा टाइप्स है और उसकी प्रिजनेंस है, ठीक है। इसमें जो सबसे कम प्रायोरिटी है वो चार डाटा टाइप की है और जो सबसे हाई प्रायोरिटी है वो जो हाई डाटा टाइप है वो है लॉन्ग डाटा डबल। तो इस लिहाज से ये होता है कि जब आप लो से हायर में कंपाइलर डाटा कन्वर्ट करता है तो फिर क्या होता है डाटा लॉस नहीं होता है, जब हायर से लो में कन्वर्जन होती है तो डाटा लॉस होता है। अब ये जो हमारी इम्प्लीसिव टाइप कास्टिंग होती है इसमें जो है वो डाटा लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। यहाँ तक तो थी हमारी इम्प्लीसिव टाइप कास्टिंग। अब इसके जो इम्प्लीसिव टाइप कास्टिंग होती है इसको हम जो है वो कन्वर्जन करने के कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स देख लेते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहले जो रूल है इस रूल में ये होता है कि चार शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट वैल्यूज जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी इंट वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो भी चार शॉर्ट या अनसाइंड जो है शॉर्ट वैल्यूज आपकी यूज़ हो रही हैं वो इसमें क्या कहता है कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको इंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह रूल टू है। अब रूल टू में ये होता है कि जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं, आपके पास वैल्यूज ऐसी जो दो डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर रही हैं, उसमें ये होता है कि जो लो रैंकिंग वैल्यू होती है उसको जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है हायर रैंकिंग वैल्यू में, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली जो है वो लो से हायर जो रैंक वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब थर्ड रूल में ये होता है कि जब आपकी एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो रही होती है तो आपके पास जो सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल जो रह जाता है जिसके वो ये जितनी भी होती है फाइनल वैल्यू असाइन की जाती है, तो ये इसमें ये होता है कि इस पे ऑटोमेटिकली वो जो वेरिएबल है उसकी जो डाटा टाइप होती है उसके मुताबिक जो है वो सारी वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है उस डाटा टाइप के मुताबिक। तो ये तो कुछ रूल्स हैं जो कि इम्प्लीसिव टाइप कास्टिंग के अंदर यूज़ होते हैं जो कि कंपाइलर यूज़ करता है। आगे जो सेकंड टाइप है वो टाइप डाटा टाइप कन्वर्जन की वो है जी टाइप कास्टिंग। इसको हम एक्सप्लिसिट भी कहते हैं जी टाइप कास्टिंग। अब इस टाइप कास्टिंग में ये होता है कि जब यूज़र जो होता है वो प्रोग्राम का यूज़र या जो भी प्रोग्रामर होता है वो जब वो खुद जो है वो डाटा टाइप को एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करता है तो इस तरह किस्म की जो टाइप कन्वर्जन होती है उसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। और ये जो कन्वर्जन होती है इसको जो है ना वो हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। इसके तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है वो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से, सबसे पहला मेथड है सी स्टाइल टाइप कास्टिंग, इसको हम कास्ट नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंड मैथड है फंक्शन नोटेशन, ठीक है। और ये जो है ये ओल्ड मैथड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो कि टाइप कास्टिंग है जो यूज़ हो रहा था। जो हमारा थर्ड जो देखा जा रहा है वो होता है जी टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए टाइप की कन्वर्जन करना। तो ये तीन मेथड है जिसके जरिए जो वो यूज़र जो है या प्रोग्रामर जो है वो इस किस्म की जो टाइप कन्वर्जन वो कर सकते हैं। तो वन बाई वन करके हम तीनों मेथड्स को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले जी मेथड जो है वो सी स्टाइल टाइप कास्टिंग है। अब इस किस्म की जो कास्टिंग में क्या किया जाता है, इस किस्म की कास्टिंग में जो है वो जैसे कि इसका सी स्टाइल टाइप कास्टिंग नाम से ही पता चल रहा है
तो ये जो आपकी सी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको ये फेवर कर रहा था। ये उस टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, इसको हम कास्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो ये होता है, आपकी पैरेंथेसिस है, डेटा टाइप है, और आगे साथ एक्सप्रेशंस है। इसको इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले ये आपके कमेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करेंगे। इंट है, ये हमारा ये वेरिएबल की डाटा टाइप है, और ये आगे नम अंडरस्कोर इंट है, ये हमारी डाटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल नेम है, और ये हमारी डाटा टाइप है, और ये आगे इज इक्वल टू 26 सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट क्लोज होगी। इसी तरह हम एक और जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी हमने डाटा टाइप कर रखी हुई है डबल, और उसका वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, नम डबल, ठीक है। अब इसमें हमने कन्वर्जन करनी है, हमने सी स्टाइल टाइप कास्टिंग करनी थी, उसमें क्या करेंगे हम इसको इंट से डबल में कन्वर्ट करेंगे। तो डबल में, इंट से डबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आप ये सिंटैक्स याद रखें, तो इसमें क्या करना है, आपने जो है ना वो नम अंडरस्कोर डबल, ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू डबल पैरेंथेसिस के अंदर आगे नम लिस्ट नम इंट है, ये आपकी क्या है जी, आपका वेरिएबल नेम है। यानी कि इसको क्या करना है कि डबल में, इससे क्या हो रहा है, इस जो एक्सप्रेशन से आपको ये पता चल रहा है कि हम प्रोग्राम को कमांड दे रहे हैं कि ये जो नम डबल टाइप है, ये यानी कि आपकी जो इंट डाटा टाइप है जिसका नाम इंट नम है, तो उसको हमने डबल में कन्वर्ट करना, तो इसको क्या करेगा वो इंट इंटीजर से इसको क्या कर देगा, डबल डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। आगे जी फंक्शन स्टाइल कास्टिंग। अब फंक्शन स्टाइल कास्टिंग में क्या किया जाता है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम ये करते हैं कि इसमें हम फंक्शन को यूज़ करते हैं हम इस तरह की कास्टिंग करने के लिए। इस किस्म की जो डाटा टाइप कास्टिंग होती है, एक टाइप से हम दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप है, और ये देखें जो सी टाइप थी उसमें डाटा को पैरेंथेसिस में लिखा गया था, और इसमें क्या है, एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया। तो हम यहाँ पे फंक्शंस को अवेलेबल करेंगे। अब इसकी जो एग्जांपल है वो यही है जी, सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करेंगे, हमने इंट डाटा टाइप का वेरिएबल एक जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, इसी तरह फिर हमने एक डबल वेरिएबल को जो है ना वो हमने डिक्लेयर कर लिया, और हमने इसको अब क्या कर दिया, इंट को डबल पे कन्वर्ट करने के लिए ये करेंगे, इंट अंडरस्कोर डबल, सॉरी नम अंडरस्कोर डबल, ये उसका वेरिएबल नेम है, डबल जो डाटा टाइप उसका वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू डबल है, और नाम इंट को जो है नाम हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया, जबकि उसमें डबल को पैरेंथेसिस में लिखा तो इंट को इसके बराबर लिखा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को एवेलुएट कर दिया, उसने क्या कर दिया, इसने ये कह दिया कि जो आपका इंटीजर डाटा टाइप है जिसका नाम नम इंट है, इसको उसने डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी वैल्यू जो है वो नम डबल को असाइन कर दिया। इसकी हम ऐसी एक एग्जांपल देख लेते हैं टाइप कास्टिंग की, जिसमें हमने दोनों मेथड्स को यूज़ किया, यानी कि जो सी टाइप मेथड है और फंक्शन स्टाइल मेथड है, दोनों को हमने यूज़ किया है। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा जो अपना प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, इससे शुरू करते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, ये सबसे पहले प्री प्रोसेस इंटरेक्टिव है। आगे जी आपने वो फंक्शन का नाम दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आपने उसका स्टैंडर्ड डिफाइन किया, आपने इसके बाद फिर इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। आगे ये जो है वो ओपनिंग ब्रेसेस है, और ये आपकी यहाँ पे, और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस की है, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया है, डबल वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज किया, ये देखिए ये डबल है, नम डबल है इज इक्वल टू 3.56 है, यानी कि जो आपका डबल डाटा टाइप है, ये आपके फ्लोट डाटा टाइप की जो वो हाई रैंक जो वो वैल्यू होती है, तो इसको यानी कि 3.56 ये आपकी इशारे वाली वैल्यू है, इसको यानी कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप डबल है, और उसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है नम डबल, और उसके अंदर ये जो 3.56 वैल्यू है इसको असाइन कर दिया। उसके बाद फिर आपने आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ किए, सी आउट है, नम डबल है, तो यानी कि ये क्या करेगा, जो पैरेंथेसिस, ये जो डबल कोट्स है, डबल कोट्स के अंदर जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी सेम जो है ना उसको आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। और आगे फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने ये जो वैल्यू है उसकी, उसको आपने शो करवा दिया नम डबल को, ये ठीक है। इसके सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं, हम सबसे पहले सी स्टाइल कन्वर्जन कर लेते हैं डबल टू इंट, जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस स्लाइड में देखा है, उसको करने का तरीका यही है, इंट है, नम इंट है, और इंट नम है, इसको हमने क्या किया, इससे आउटपुट स्टेट में इसको इससे आउटपुट किया, और ये आपकी लाइन के एंड हो गया। इस तरह फंक्शन स्टाइल में आपने कन्वर्जन कर लिया, उसके लिए आपने ये स्टेटमेंट यूज़ कर ली, और रिटर्न जीरो करके आपने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब ये देखिए इस प्रोग्राम के आउटपुट क्या आएगी, अब ये देखिए लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें।
सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर जो है ना वो डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर उसका नम नम डबल रखा और उसके अंदर वैल्यू 3.564 साइन कर दिया, ठीक है। और ये देखें जी, ये आपने असाइन कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसकी आउटपुट स्टेटमेंट की जिस आउटपुट शो करवाई स्क्रीन के ऊपर नम डबल इज इक्वल टू, ये देखिए नम डबल इज इक्वल टू उसने शो कर दिया। अब इसको शो कर दिया, अब इसमें आपने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाना, तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके हमने जो आउटपुट स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने नम अंडरस्कोर इंट वन लिख दिया। तो इसने क्या किया, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी उसने स्क्रीन के ऊपर उसको शो करवा दिया। इस तरह अब सबसे पहले जो सी स्टाइल कन्वर्जन है इसमें डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, तो डबल को इंट में कन्वर्ट किया, तो इसमें क्या किया उसने, ये किया। अब ये जो डबल टू इंट कन्वर्जन कर लिया, डबल जो है वो आपकी शायरी वाली वैल्यू होती है, जबकि इंट जो आपकी विदाउट जो है ना वो अशारिया वाली वैल्यू होती है। तो उसने क्या कर दिया, ये जो अशारिया वाली वैल्यू है इसको ट्रंक कर दिया, इसको इसमें से रिमूव कर दिया और आपकी जो इंटीजर वैल्यू है उसको, यानी कि क्योंकि ये इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, तो उसको जो आपकी अशारिया के बगैर वाली जो वैल्यू उसको आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दी और अशारिया वाली वैल्यू को ट्रंक कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। क्योंकि डबल जो है वो अशारिया वाली वैल्यू को सपोर्ट करता है, जबकि इंट जो है वो आपका इंटीजर वैल्यू जो है वो आपकी अशारिया वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता, तो उसने उसको शो करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह की उसको उसने डबल डाटा टाइप को इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो उसको स्टोर कर शाइन साइन कर। अब ये जो शारिया वाली वैल्यू आपको पता है इंटीजर के अंदर शो नहीं होती, रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, तो उसने वो शारिया वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है उस इंटीजर को साइन कर दिया। इस तरह जो आपकी फंक्शन स्टाइल कन्वर्जन है उसमें भी उसने ऐसे ही किया। तो ये थी एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने बोथ कास्टिंग बोथ टाइप की कास्टिंग है, सी स्टाइल कन्वर्जन और फंक्शन स्टाइल कन्वर्जन दोनों को हमने यूज़ किया। तो इसको आप जो है ना वो अपने सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर इस प्रोग्राम को करके, इसकी कोडिंग करके, इसकी जो है ना वो कंपाइल करके इसको रन करवा के खुद जो है ना वो टेस्ट कीजिएगा। आगे जो इसकी थर्ड टाइप कास्टिंग की जो वो टाइप है वो जी टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स, यानी कि हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए जो है ना वो हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जो पहले हमने दो मेथड टाइप कास्टिंग के पढ़े हैं, उसके अलावा भी जो है ना हम चार किस्म के ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसको जो है ना वो यूज़ होते हैं, जो कि वन सिंगल एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में टाइप जो डाटा टाइप है उसको कन्वर्जन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इस किस्म की जो टाइप कन्वर्जन होती है उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसमें ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि इस तरह की टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं, सबसे पहले स्टैटिक कास्ट है, ठीक है, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट है, इस तरह डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट है, कास्ट अंडरस्कोर कास्ट है, री इंटरप्रेट अंडरस्कोर कास्ट है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये जो है ना वो जब टाइप करते हुए तो ये इसने अपर केसेस में जो पहले पहला लफ्ज़ लिख दिया है, लेकिन ये आपका स्मॉल केसेस में जो आपका ये एस छोटा आएगा, ये डी छोटा आएगा, ये सी स्मॉल केस में आएगा, ये भी आर स्मॉल केस में आएगा। तो इस तरह आप कहते हैं ये जो ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए जो ना वो आपकी इस केस ये जो है ऑपरेटर्स टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ले जी, यहाँ तक तो था हमारा आज का लेक्चर, आज के लिए इतनी काफ़ी, जिसमें हमने चार टॉपिक्स को कवर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।